सर दो आर्गुमेंट है अहमद साहब, एक आर्गुमेंट तो ये है, माहिर कानून कल भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, मुख्तलिफ राय का इजहार कर रहे थे, आज खान साहब की एक निजी टीवी चैनल में गुफ्तगू भी सामने आई है, खान साहब ने कहा मैं अकाउंटेंट थोड़ी हूं जनाब कि किसने कितना क्या दिया क्या लिया क्या मामला थे जो मैं इस अकाउंट्स का हिसाब रखूं। फिर उन्होंने जनाब अपने हॉस्पिटल की मिसाल दी, उन्होंने कहा जनाब इसका बजट इतना है, अब मुझे थोड़ी पता कि क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन दूसरी राय यह है कि अगर आपके सिग्नेचर है और उसमें यह लिखा गया है कि जितना मुझे बताया गया जितना मुझे ब्रीफ किया गया उसके मुताबिक ये वैसा ही है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने सिग्नेचर किए तो उसकी थॉरली जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। ये मैं इसके जवाब आपको देता हूं। देखिए बात ये है कि यहां पे एक प्रोहिबिटेड फंड की सिचुएशन है जी, और एक उन्होंने उसको जरा से बढ़ा के, क्योंकि ये केस चला था प्रोहिबिटेड फंड का बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसको शक्ल दूसरी दे दी और इसको फॉरेन फंडिंग में ले गए हैं। इसलिए ये बात मैंने परसों की थी, इस फैसले के आने से एक दिन पहले की बात है, और मैंने कहा था ये फॉरेन फंडिंग की बात इसलिए की जा रही है कि ये इमरान खान को मुलव्वस करना चाहते हैं कि वो फॉरेन एजेंट हैं, और वही बात हमने देख लिया शुरू की है। मौलाना साहब ने इनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है लेकिन हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जी। क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर इनको फॉरेन फंडिंग हुई है तो वो किस काम के लिए हुई है और इन्होंने क्या काम करके दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं इनके दौर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुए हैं, 28 बिलियन डॉलर तक। पिछले साल जो है 2021 का साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 36 बिलियन डॉलर एक साल में। वो लॉजिकल बात है ना सर, वो सियासी भी बात है, वो लॉजिकली बात। मेरा सर पॉइंट इतना है कि वो अगर आपने सिग्नेचर किया हुआ है जिस सर्टिफिकेट पे, ये एप्लीकेबल होगा 6263। एक बात और बताता हूँ, देखिए जी सुनिए, मैं आपको वो दूसरी बात बता दूँ। अब ये प्रोहिबिटेड फंड जो है ना, इसके ऊपर मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो उसको कॉन्फिस्केट कर लें। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो इनको शोकास दिया है पार्टी को, सही है, वो सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग के ऊपर दिया है, कॉन्फिस्केशन के ऊपर, सही है, कि इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी तमाम बातें जो हैं ये इनकी जो है वो इस वक्त ये समझते हैं कि ये जी वक्त ये काबू आ गए हैं, इनको यहाँ पे धर लिया जाएगा और ये सब कुछ हो गए हैं, वो इमरान खान की बल्कि स्टोलन थॉट्स जो है उसको लेके आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा होगा नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।